नमस्कार दोस्तों, शंकर इलेक्ट्रॉनिक चैनल में आप सभी को हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप लोग के सामने मैं स्ट्रेंजर USB 150 वाट का एम्पलीफायर लेकर आया हूं। आज मैं बताऊंगा मास्टर वॉल्यूम का कनेक्शन कैसे करें। तो मैं चलता हूं इसके पीछे। ये जो प्लेट लगा हुआ, इसमें प्लेट में 8 ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं। पहले इसको प्लेट को ध्यान से देख लीजिए कि ये प्लेट कैसा है, तभी आप वायरिंग कर सकते हैं। यदि प्लेट ऐसा है तभी इसका कनेक्शन सही जुड़ पाएंगे। तो एक एक सामान को मैं आपको करीब करके दिखा दे रहा हूँ ताकि कोई रेजिस्टेंस भी ख़राब होगा तो इस वीडियो को देख करके आप जान सकते हैं कि कौन सा नंबर का रेजिस्टेंस और कौन सा नंबर का कैपेसिटर लगा हुआ है। यहाँ में देखिए, बिल्कुल क्लियर करके दिखा दे रहा हूँ आपको। यहाँ पे बिल्कुल क्लियर हो गया है। अब मैं चलता हूँ अब सीधे इसके जो इसका कनेक्शन कैसे होगा मैं बताऊँगा। ये है जो वायलेट कलर का जो तार है यहाँ पे जुड़ा हुआ है। ये है ग्राउंड, ये ग्राउंड तार है जो कि बॉडी से भी अर्थ होता है और प्लेट से भी अर्थ होता है। ये वायलेट कलर का जो ये तार सीधे गया है इस मास्टर वॉल्यूम के सीधे 3 नंबर पिन पे। देखिए यहाँ पे आया हुआ है तो 3 नंबर पिन पे हो गया ये, जो कि ग्राउंड है। यही तार ग्राउंड में गया है, ये सब माइक पे चला गया है ग्राउंड में। अब ये चलता हूँ लेकर के आपको, ये जो लाल तार है, लाल वायर, ये लाल वायर, जो लाल वायर यहाँ पे लगा कैपेसिटर 2.2 या 50 वोल्टेज का, और इसे जब क्रॉस हुआ तो यहाँ पर आ गया और यहाँ से आकर के सीधे यहाँ आया। यहाँ से आकर सीधे एक ट्रांजिस्टर लगा है 548 नंबर के, इसके कलेक्टर सिरे पे ज्वाइंट हो चुका है। ये 2 नंबर का ट्रांजिस्टर है, मतलब कि यहाँ पे 1 नंबर का ट्रांजिस्टर लगा हुआ है। ये वाला 1 नंबर ट्रांजिस्टर है और ये है 2 नंबर ट्रांजिस्टर, तो यहाँ पर जुड़ गया। बात करते हैं यहाँ पे जो पीला तार है, पीला भी तार यहाँ पे जुड़ा हुआ है और यहाँ से यहाँ आ गया और यहाँ से एक कैपेसिटर लगा हुआ है 2.2 एफ का, जो कि ये सीधे यहाँ आया, यहाँ से सीधे 548 नंबर के सीधे बीच में गया है इसके कनेक्शन, मतलब बेस में। तो ये जो तार है कहाँ गया है, सीधे ये पीला वायर। तो चलता हूँ सीधे इसके टोन पर। तो यहाँ जो टोन है इसके बीच कनेक्शन पर सीधे जुड़ गया है, सीधे बीचों बीच में जुड़ चुका है। देखिए तो इसका कनेक्शन मैं बता दिया आपको। ओके, मेरे वीडियो में बनने के लिए धन्यवाद करता हूँ।